मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र से सबसे बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव जा रहे हैं। ये तस्वीर खारघर टोल नाके की है, जहां से उत्तर प्रदेश के लिए ट्रकों में भर कर ये मजदूर अपने गांव बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, गोंडा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये दयनीय मजदूरों की तस्वीर शासन प्रशासन की पोल खोलती नजर आ रही है। इनमें से कई मजदूर बेगारी का काम करते थे तो कई मजदूर कंपनियों में काम करते थे, मगर लॉकडाउन में घर में ना खाने के लिए कुछ है और ना ही इनके पास पैसे हैं। यानी पेट की भूख अब इन मजदूरों को उनके घर ले जा रही है। यह अपने आप में बड़ी विडंबना है कि भूख से शहर की तरफ लोग खींचे चले आते थे रोजगार के लिए, मगर अब उसी शहर से ये मजदूर कहते हैं कि हमें गांव जाना है और घर पहुंचकर हमें खाना तो मिलेगा, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम अपने घर चले जाएं। कोई अपनी बाइक से ही यूपी के लिए चल पड़ा है तो कोई पैदल। बड़ी संख्या में मजदूर खारघर टोल नाके से जा रहे हैं। कुछ मजदूर यूपी जाने के लिए ट्रकों में भी चढ़ते हुए नजर आए, कुछ मजदूर पैदल ही चलते जा रहे हैं और कुछ मजदूर चलते चलते थक कर रोड के किनारे सोते हुए भी नजर आए। पूरे परिवार के साथ क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान अपने गांव जाने के लिए लोग पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। ट्रक मिला तो बैठ लिए, नहीं तो पैदल ही इन मजदूरों का कारवां चलता जा रहा है। आखिर क्यों मजदूर ये मजबूर हैं अपने गाँव जाने के लिए, सुनिए क्या कहा है। कहाँ जा रहे हैं? प्रतापगढ़ जाने का है। कहाँ पे जा रहे हैं आप? प्रतापगढ़ जिला। मतलब कैसे जाएंगे आप? यूपी। छोटे बच्चों को लेकर कैसे जाएंगे? अरे सर, बस बुक किया था लेकिन उसमें ज्यादा हो गए, चले गए वो ट्रक। इधर ही बालकुम से आए हैं, थाने से। प्रतापगढ़ आप कैसे पहुंचेंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप जा रहे हैं, कोई सवारी नहीं है आपके पास, तो कैसे जाएंगे आप? हाँ सर, मिलेगा सवारी, जाएंगे नहीं वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे। हाँ, क्या तकलीफ है आपको? सर तकलीफ है, खाने पीने का काम धाम, खाने पीने की तकलीफ है। ये तुम्हें भाग के जा रहा है, क्या इधर माटी खाएगा, क्या खाएगा, उपवास करेगा थोड़ी? आप ही बता दें, उपवास थोड़ी करेगा? पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, मस्जिद का तो मिलता नहीं है, क्या खाएगा उधर? इसमें गांव भाग के जा रहा है। कुछ नहीं मिला, थोड़ा से चावल, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, बस कुछ नहीं। सरकार आप लोगों को गांव जाने की व्यवस्था नहीं कर रही क्या? फॉर्म तो जमा हो रहे थे, आप लोगों ने फॉर्म जमा किए? जमा किया भैया, तो खाएगा कितना दिन में बुलाएगा सरकार? कभी मैं जाऊं क्या खाऊं? बलरामपुर जिला। पैदल जा रहे हैं? नहीं, गाड़ी मिलेगी तो जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। नहीं कोई सवारी साधन आपके पास? अभी कुछ भी नहीं है। तो आप पैदल ऐसे कहाँ से अभी तक कहाँ आए? साकीनाका से। साकीनाका से आप पैदल आए, यानी आपको सवारी मिलेगी तो आप जाएंगे? हाँ मिलेगी तो जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन क्यों जा रहे हैं आखिर आप मुंबई में? यहाँ से क्या तकलीफ? तो यहाँ क्या करेगा, भूखा मरेगा आदमी, काम धंधा कुछ नहीं। फिर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, घर पे पहुँचा दे, यही बहुत बड़ी बात है। हमारा नाम लालजी बिंद है, हम लोग डिहोट के निवासी हैं और भदोही में हमारे लोग का घर है, मकान है। यहाँ पे बेगारी करने आए हैं, बेगारी करते थे, अब काम धाम बंद है, बस इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। खाना पीना की व्यवस्था हमारे इसके बिल्कुल नहीं है। और हम गोराई ब्रिज में रहते थे, बोरोवली। तो अभी कैसे पैदल गांव के लिए? पैदल अभी क्या करूं यार, रास्ते में रूम पे भी क्या मतलब है, कोई हंसेगा, कोई रोएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। खाना पीना का मतलब का 2-3 दिन पे खिचड़ी मिल जाती थी। पैसा तो आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़त्म है, हमारे सबका कोई जरिए नहीं है। कंपनी तो है नहीं कि मैं कोई मदद कर देगा 10 रुपया। अब पहुँचेंगे जैसे सब लोग जा रहे हैं, से जाएंगे जहाँ तक होता, मांगते खाते जाएंगे, और क्या कर सकता हूँ, और कोई उपाय तो है नहीं। और कोई केला दिया था खाए थे, कोई बिस्कुट दिया था खाते चलता हूँ। तो फिर सरकार, अब सरकार के विषय में क्या कहें, उसको क्या मालूम नहीं है? कोई गरीब आदमी होता तो उसको मालूम होता, वो तो क्या है, वो तो आदेश लगाता रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे बस इसे। अब मालूम नहीं कितना दिन तक जाएगा, क्या जानेगा, वो ही मर जाएंगे, क्या भरोसा क्या। इसलिए रास्ते में चलेंगे कुछ तो मांगते खाते निकलेंगे तो सफर कटेगा। बहरहाल घर तो पहुंचना ही है और हजारों की तादाद में पैदल और ट्रकों से ये मजदूर अपने गांव जाने के लिए इस कोरोना महामारी के बीच मजबूर हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।